जब मैं सेगमेंट इंटेंडिंग करता हूं मैं क्या करता हूं, ओके फर्स्ट आई डू दिस, ओके आई सी आई एम क्लोजिंग माय आईज बिकॉज इट गोज बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट आई डू दिस, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस, दिस 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 दिस, देन आई विल लुक अप लाइक दिस. Then I will do this. Then I will do something else inside. Then I will do this. And then I complete. Okay. तो ये करते 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 करते, okay, ये करते करते, what I'm saying is, every gesture of mine is associated with a feeling. With a picture, with a color, and many more things also. Okay. Now in my morning, सुबह सुबह मैं meditation करता हूँ. तो meditation के बाद में, I will tell you what I do. Okay. First I will do like this, then I will do like this, then like this, then like this, then like this, like this. Then I will do like this, like this, like this, like this. My head will go up. Then I do. Like this, then I will do like this, I'll do like this, like this, and then I will do like this, then I do like this, I do like this, I do like this. ये exercise नहीं है, don't worry, ये सब exercise नहीं है. ये हर जो मैंने ऐसा किया तो एक picture आता है, मैंने ऐसा किया तो एक picture आता है. मैं पूरा शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं और पिक्चर के साथ एक इमोशन क्रिएट कर रहा हूं और वो बार बार कर रहा हूं. तो कितने लोगों ने सक्सेस प्रोग्राम किया है, जस्ट राइट डाउन यस, जस्ट राइट डाउन यस इफ यू हैव डन द सक्सेस प्रोग्राम. उसमें हम आपको 8 स्टेप बताते हैं. पहले विजन होना चाहिए, फिर विजन को लिखना चाहिए, फिर विजन को पढ़ना चाहिए, फिर विजन को जोर से पढ़ना चाहिए, फिर उसको इमेजिन करना चाहिए, फिर इमेजिन करने के बाद उसको फील करना चाहिए, फील करने के बाद मेडिटेशन में लाना चाहिए और मेडिटेशन के बाद उसको रिपीट करना है. तो ये जो 8 स्टेप है, ये 8 स्टेप मैं सुबह करता हूँ और सुबह सुबह हर शरीर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक इमोशन को पैदा करने को. तो जब ये ऑलरेडी इधर आ गया है, ऑलरेडी हमने निर्माण कर दिया है, ऑलरेडी इमेजिन कर दिया है, ऑलरेडी हम खुश है, तो बाहर जो है, बाहर ये एक आउटकम है. इफ इफ दोज हु हैव बीन विद मी इन द जस्ट लेट गो कैंप, ये 2.5 महीने की बात है, 2.5 महीने की बात, ओके मैंने उसको लेट गो कैंप में बलून में लिखा था March 31st, 2020. हमारे पास 5,000 फैमिली जुड़े होंगे हमारे DYL प्रोग्राम में. मैंने ऐसा लिखा था 5,000 फैमिली, और अभी हमारा ये महीने में ऑलमोस्ट 1,000 फैमिली होने वाला है. अभी ये नवंबर है, ओके दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 महीने में मुझे लगता है कि 5,000 नहीं, 5 से 10,000 भी हो सकता है. हमने लिखा था क्योंकि ये पहले हम इधर डाल रहे हैं, पहले जो आर्किटेक्ट है इधर करता है, फिर बाद में निर्माण बाहर होता है. हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही सिखा रहे हैं. सिखाते सिखाते आप भी कीजिए, आपका बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, ये सब बढ़ने वाला है.